So hey guys, what's up? This side is Giriraj Asar and welcome to the another new podcast episode of the Giriraj Asar podcast. And guys, आज का podcast सबके लिए like बहुत amazing होने वाला है, बहुत special होने वाला है, especially remotely work के लिए, digital nomad के लिए. एंड काफ़ी सारे लोगों में curiosity रहती है कि digital nomad करते क्या हैं, कैसे like ट्रैवलिंग करते हैं या फिर कैसे वो लोग अर्निंग करते हैं, कैसे उनकी कम्युनिटीज़ या फिर कोई कैसे डिजिटल नोमैड बन सकता है, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते लोगों को. तो वॉच लाइक लिसन दिस फुल एपिसोड टिल एंड बिकॉज आज इसमें काफ़ी सारी बात होने वाली है मेरे साथ. तो आई विल इंट्रोड्यूस ऑफ माई स्पेशल गेस्ट. It's Saurav Arya. Saurav Arya is passed out from IIT and then doing job, and then after the leaving the job is joined as a digital nomad journey, and also it's like biggest inspiration for digital every digital nomad. Because I honestly first time I see Saurav on TEDx video. I first time I search on YouTube digital nomad Saurav video. It's come in the first of the top. On the TEDx. So then I search on Saurav on Instagram. Then I show Saurav profile and I follow you since 6 months. So that's all about Saurav. So hey Saurav, thanks for joining with me and my show. Thank you for inviting my expectation. Thanks for inviting me, Giriraj. Pleasure to be here. Yeah. And yeah, Saurav is my like first question in my mind, honestly. About you are doing pass out from IIT, doing the job, and how's going this journey about like हर बंदा like IIT वाला उसका like dream होता है कि अच्छी कंपनी में job करना, startup करना, and like many much things about like to do work. And so how shift about किया मुझे digital nomad बनना, like different जगह होना. तो how like shift on a full time job into a digital nomad and क्या चीज़ ऐसा लाइक फील हुआ खुद में कि मुझे इधर से इधर नहीं. व्हाट्स अबाउट योर जर्नी अबाउट आईआईटी टू डिजिटल नोमैड. ओके, सो सबसे पहले तो ये जो शिफ्ट था वो काफी ग्रेजुअल था, मतलब ट्रांजिशन जो था वो काफी ग्रेजुअल था. और आई ग्रेजुएटेड इन 2006, ठीक है. और उसके बाद 3 साल आई वॉज इन 9 to 5. इट वॉज द टिपिकल डेस्क जॉब कि ऑफिस में जाना है, 9 to 5 करना है वैसा. पर उसके साथ में वीकेंड में हम ट्रैवल कर रहे थे, हम यूरोप में थे, तो वीकेंड में ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं. और वो करते करते लगा कि यू नो ट्रैवल इज मोर इंटरेस्टिंग दैन सिटिंग इन ऑफिस एंड वर्किंग, ठीक है. सो वहाँ से ट्रैवल में पहले इंटरेस्ट आया. और फिर उसके बाद लकीली आई गॉट अ रिमोट जॉब 2009 में. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ ब्रिटिश स्टार्टअप. और वो बोली कि भाई आप कहाँ से भी काम करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट गेट द वर्क डन. सो उस समय 2009 में कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, रिमोट वर्क के बारे में. जस्ट वर्क फ्रॉम होम वर्ड कभी कभी यूज होता था. सो भाई आप कह सकते हैं कि जस्ट कोइंसिडेंटली आई गॉट अ रिमोट जॉब. और उसके बाद रियलाइज हुआ कि हे, दिस इज बेटर देन गोइंग टू ऑफिस, बिकॉज आप अपने काम के साथ अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, अपने काम के साथ आप आपका जो डेली लाइफ चल रहा है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, राइट. और अननेसेसरी कम्यूट नहीं करना पड़ता है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं. सो मतलब आई थिंक इट एम्पावर्स यू टू लिव मोर पैशनेटली एंड फॉलो योर ड्रीम्स, ठीक है. सो वहाँ से शुरू हुआ. उसके बाद ट्रैवल में भी इंटरेस्ट था. सो आई थॉट कि इफ आई कैन हैव बिजनेसेस जिसको हम कहीं से भी कर सकते हैं, सो दैट विल बी आइडियल. सो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू गेट full time into it. I started building small businesses which could allow me to work from anywhere. और उसके बाद से हर साल I decided to visit at least 8 to 10 new countries, and that's what has been going on for the last 10 years now. 2009 onwards, 11 years now. So उस समय से ऐसे ही चल रहा है. Yeah, like that's great. Actually, passion follow करना like काम के साथ साथ like it's an amazing thing. And also like one of my question ki like exactly what is digital nomad according to you, like a digital nomad, because it's like most popular word to use many of us. And I search on Instagram, so I find very few people on digital nomad field. So, as I गिरिराज की ये जो वर्ड है ना, इसको काफी लोग मतलब अलग तरह से भी यूज कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल डिजिटल नोमैड का मतलब ये हुआ कि पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली एंड ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, है ना। जैसे कि पहले क्या था कि नोमैड्स वेयर दोज जो कि दे वर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। डिजिटल नोमैड्स आर दोज जो कि दे आर यूजिंग टेक टूल्स इन ऑर्डर टू डू दैट। मतलब साथ में उनका या तो पैसिव इनकम सोर्स है या फिर दे आर ऑल्सो वर्किंग एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम। तो ये जो डिजिटल नोमैड जो है ना, ये रिमोट वर्कर्स का एक छोटा सा सबसेट है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नाउ मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग रिमोटली, है ना, बिकॉज अभी ऐसा है कि ऑफिस जाने की बहुत किसी को जरूरत नहीं है। काफी सारे बिजनेसेस भी अलाउ करते हैं कि आप कहीं से भी काम करें, है ना। सो अगर मान लीजिए कि 100 लोग जो रिमोटली काम कर रहे हैं, उसमें से 5 ऐसे होंगे जो कि रिमोटली काम करने के साथ साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। सो वो हुए डिजिटल नोमैड। या मतलब रिमोट के साथ साथ वर्क करना एक तरह से, लाइक गूगल में भी लाइक इसका यही के साथ साथ रिमोटली काम करना। या एग्जैक्टली। एंड आल्सो one of my questions from the many audience कि if anyone अगर किसी को डिजिटल नोमैड स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो, they are like उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है चीजों का, they have skills and everything skill sets, तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? विद जीरो, लाइक बिल्कुल फर्स्ट डे से स्टार्ट करना हो। सपोज मुझे फर्स्ट डे से स्टार्ट करना हो तो हाउ कैन आई स्टार्ट डिजिटल नोमैड जर्नी एंड किन किन चीजों की लाइक मुझे नीड्स होती है एंड हाउ कैन आई फाइंड माय सेल्फ? क्या मुझे डिजिटल नोमैड में ये चीज लाइक चाहिए या फिर इसी तरह से मुझे करना है? हाउ कैन आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? सो देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो क्या कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आप अपने लिए काम करना चाहते हैं या फिर आप कोई एक एम्प्लॉयर ढूंढना चाहते हैं जो कि आपको रिमोटली काम करने दे। पहला तो वो है ना, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन वर्क ऑन देयर ओन। नॉट एवरीवन इज motivated enough to have a small business or to start something on their own. You know, not everyone is disciplined enough to start something on their own. So, पहला decision वो लेना होता है कि आपको दूसरे कंपनी के लिए remotely काम करना है या फिर अपने लिए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये once you have decided that, the second step is that कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप कितने खुद disciplined हैं, so that कि आप अपने काम के साथ अपना जो भी passion है, अगर travel आपका passion है तो उसको भी आप कैसे दोनों एक साथ कर ले जा सकते हैं। इसके लिए व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट इट हेल्प्स अ लॉट इफ यू गेट इन टच विद द कम्युनिटी। अगर आप वैसे लोगों के टच में आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं ना, सो उनसे आप कम्युनिटी से काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो वो बहुत ही जरूरी है कि टू ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर यू कैन मीट अदर डिजिटल नोमैड्स वर्चुअली। अगर आप डिजिटली भी सराउंड करते हैं अदर नोमैड से, सो दैट विल इंस्पायर यू टू बी ऑन द मूव, है ना। सो यही हो रहा है। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, अगर आप दूसरे डिजिटल नोमैड की जर्नी देखते हैं कि हाँ ये डिजिटल नोमैड है जो 5 साल से ट्रैवल कर रहा है, काम भी कर रहा है, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। वो इंस्पिरेशन सबसे जरूरी होती है आई थिंक कोई भी एस्पायरिंग डिजिटल नोमैड के लिए, है ना। काफी आइडिया मिलता है, आइडिया मिलता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, आइडिया मिलता है कि दूसरों ने कैसे किया, है ना। सो वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरों से सिर्फ सीखने के लिए नहीं, पर उसके साथ साथ काफी कुछ पता चल जाता है। मतलब उसके आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके प्रॉज ही जानने, कॉन्स भी जानने हैं, ठीक है। इस लाइफस्टाइल में इसको फॉलो करने से क्या क्या चीज आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। वो कम्युनिटी के टच में होना बहुत जरूरी है। Yeah, exactly. Like, and now time is like community are honestly so helpful. And like, चाहे वो डिजिटल नोमैड हो या फिर like कुछ भी आप कर रहे हो, तो आप अगर किसी भी communities के साथ involve है ना, तो honestly they are like आपको काफी चीजें मिल जाती है, बिल्कुल easy access हो जाती है। या फिर mentorship बोले तो आपको एक मेंटोर की जगह वहाँ आपको कहीं मेंटोर मिल जाते हैं, बिल्कुल लाइक एक्सेस लाइक, ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं। और वो मेंटोर जो आपके फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं या फिर उन्होंने सफिशिएंट कुछ ना कुछ कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम गुड लाइक कम्युनिटी ऑफ द डिजिटल नोमैड? बिकॉज आई हैव नॉट आइडिया ऑफ मोर कम्युनिटी इन डिजिटल नोमैड, एंड इफ यू सजेस्ट टू समवन कि join this community, तो what are some good community for digital nomad? देखिए, जो डिजिटल नोमैडिज्म है इंडिया में, it's a very new trend लोगों को पता था पहले, लोग रिमोटली काम करते थे या फिर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर ये जो डिजिटल नोमैडिज्म है अभी जाकर के इट्स पीकिंग अप. सो इट्स अ वेरी न्यू ट्रेंड. सो अभी we created a community for Indian digital nomads. It's called WorkStays, workstays.in. Yeah. And we created for the same purpose. We felt कि बहुत सारे Indian remote workers हैं, youngsters हैं, जो कि they want to learn from others कि how to shift from 9 to 5 to digital nomad lifestyle. So I felt कि we can learn together, we can grow together. कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी अगर इफ वी ब्रिंग देम ऑल टुगेदर एट वन प्लेस. सो अभी उसमें क्या हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट जो भी एस्पायरिंग नोमैड्स हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू बी अ डिजिटल नोमैड. एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि व्हेन वी आर कमिंग टुगेदर काफी सारी चीजें हम लोग एक साथ कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग लेट्स से 10 ऑफ अस वांट टू स्टे इन गोवा, सो वी कैन फाइंड अ विला एंड वी कैन स्टे टुगेदर. सो काफी सारे सर्विसेज, काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग कलेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं. सो हाँ, workstays.in is a community. So anyone can go to workstays.in and join it. It's a Discord community. Yeah, I also saw link in my description. If anyone want to go through the also the link to visit the link, and also and other one is like when we talk about digital nomad, so चीज आती है प्लेसेस. प्लेसेस आर सो इम्पोर्टेंट कि हमें लाइक कहाँ जाके काम करना है, कहाँ जाके नहीं करनी. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम गुड प्लेसेस इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया कि सेफ एंड गुड फॉर द वर्किंग ऑन द पीपल. बहुत सही. सो हाँ, ये आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लोगों को पता होना चाहिए कि बीइंग अ डिजिटल नोमैड इज ऑल अबाउट जियो आर्बिट्राज एंड लाइफस्टाइल. ठीक है, जियो आर्बिट्राज का मतलब हो गया कि ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका अगर आपका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लो है और अगर आपका इनकम सोर्स जो है वो ज्यादा है. जैसे लेट्स से कि अगर आप आपके जो क्लाइंट हैं यूरोप में, यूएस में, ठीक है, वेस्ट में आपके क्लाइंट है और आप काम कर रहे हैं गोवा से, ठीक है, तो गोवा में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है पर आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो डॉलर में मिल रहे हैं अगर आपके बाहर के क्लाइंट है तो, राइट. तो वो एक एडवांटेज है आपके पास, राइट, कि आपका स्पेंड कम हो रहा है, मतलब एक्सपेंस आपका कम है और आपका इनकम ज्यादा है. तो ये हुआ जियो आर्बिट्राज. सो काफी सारे आपने देखा होगा, काफी सारे ट्रैवलर्स हो गए ना, वो वेस्ट से, यूरोप से वो आ जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं या फिर साउथ ईस्ट एशिया में काम करते हैं बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ दूसरा चीज जो मैटर करता है वो है लाइफस्टाइल, कि भाई आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे करने के लिए कुछ अच्छा हो. जैसे सी बीच सबको एंजॉय करता है, माउंटेन्स भी काफी लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, कुछ वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए होना चाहिए, नाइट लाइफ होना चाहिए, ऐसा कुछ. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. सो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली जो है कुछ प्लेसेस दे हैव इमर्ज्ड एज अ हॉटस्पॉट्स फॉर डिजिटल नोमैड्स. जैसे बाली, इंटरनेशनली बाली काफी बड़ा सेंटर बन चुका है डिजिटल नोमैड्स के लिए. चियांग माई है, साउथ अमेरिका में मेडिजीन है, साउथ अमेरिका में ब्यूनस आयरस है, ठीक है, इंडिया में गोवा इमर्ज हो रहा है, हिमाचल भी बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है डिजिटल नोमैड्स के लिए. या आई थिंक बाली इट्स लाइक वेरी गुड प्लेस बिकॉज़ ऑब्वियसली नाउडेज आई लुकिंग लाइक ऑनेस्टली आई एम इंटरेस्टेड टू ट्रैवलिंग, सो आई लुकिंग सम टाइम फॉर द लाइक जब भी फ्री होता हूँ आई सर्च ऑन द गूगल व्हिच इज द बेस्ट प्लेस एंड लाइक बहुत लाइक अच्छी जगह होती है ना कुछ कुछ कि ठीक है लाइक देखेंगे तभी तो क्यूरियोसिटी जगेगी कि भाई मुझे जाना है इधर यार, ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई लुकिंग नाउ लाइक 2 to 3 डेज आई लुकिंग बाली क्या के यार क्या जगह है ऑनेस्टली. इट्स ऑन मालदीव. बाली हैज सो मच टू ऑफर. या एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू यू अगर if I talking about in India, suppose if everyone start from zero, so they are not going firstly on out of the India, and because of some issues. So according to you, India के अंदर कौन-कौन से अच्छे place हैं जहाँ पे हम remotely कर सकते हैं कुछ time के लिए, जैसे like Goa हो गया, and also I think Himalaya भी उधर की side भी काफी अच्छा है, and आउट ऑफ अपार्ट ऑफ इट, इसके अलावा और भी क्या है यहाँ पे, लाइक हम जा सकते हैं इंडिया में? श्योर। सो देखिए इंडिया में ऐसा है कि अगर आप कोई भी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है, मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में है, तो आपको अननेसेसरली हेवी रेंट पे करना पड़ता है, राइट? सो सेम प्राइस पे लेट्स से अगर आपका कोई भी बड़े शहर में, दिल्ली में या फिर मुंबई बैंगलोर में अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 आ रहा है, ठीक है, सो उससे काफी कम में आप स्टे कर सकते हैं इन प्लेसेस लाइक हिल स्टेशन अगर आपको पसंद है तो कोडाईकनाल हुआ, वायनाड हुआ, ठीक है, नॉर्थ में आपको मनाली हुआ, है ना। हिमाचल में काफी सारे ऐसे छोटे छोटे गांव भी हैं जहाँ पे आपको 4G कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है और काफी अच्छा आपको खाना मिलेगा, काफी अच्छा नेचर है, आप नेचर में रहेंगे। तो हिमाचल के हिल स्टेशंस, साउथ में आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तीनों जो स्टेट है इसमें काफी सारे छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे हिल स्टेशंस हैं, वो सब इमर्ज कर रहे हैं। जैसे कि एंड हो क्या रहा है कि काफी सारे जो डिजिटल नोमैड्स एंड रिमोट वर्कर्स हैं वो दे लुक फॉर प्लेसेस क्लोज टू जहाँ पे उनका बेस है, जैसे कि बैंगलोर से लोग चले जा रहे हैं वायनाड या कुर्ग, है ना, वहाँ पे 1 महीना वहां से काम कर रहे हैं, 1-2 महीना, या फिर अगर पसंद आया तो इवन लॉन्गर। तो ये सारी जगहें हैं। आई थिंक ये जो नेचर के साथ साथ व्हाट मैटर्स इज कि वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसा है, एज इन वाईफाई कनेक्टिविटी कैसा है, ऑल्सो मैटर्स कि बाकी सब सर्विसेज कैसे हैं। सो इसमें वही साउथ में आई सी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, नॉर्थ में हिमाचल, these places stand out. It's these states have more to offer compared to others. Yeah, it's amazing. And also, it will be इस चीज में community काफी helpful होती होगी, because अगर हमें वहाँ जाना है उस place पर already कोई community में ऐसा बंदा मिल जाए जो already जाके आ चुका, तो it's more than helpful to like वहाँ जाने से पहले सारी चीजें like मिल जाएंगी. And also exactly. Yeah. यार इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज ये दिस इज द रीजन व्हाई वी थॉट कि इट मेक सेंस टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द डिजिटल नोमैड्स, क्रिएट अ कम्युनिटी एंड क्रिएट अ सिंक्रोनस कम्युनिटी, एज इन की यू नो एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी वेयर एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क इमीडिएटली एंड यू कैन गेट द आंसर। बिकॉज क्या हो रहा है कि लेट्स से कि जैसे कि अभी आपको पता करना है कि हु आर अदर डिजिटल नोमैड्स हु वुड लाइक टू वर्क रिमोटली फ्रॉम गोवा, ठीक है, so you can go to Discord community immediately and you can ask question and you'll find 10 others who are ready to travel with you or be there. So it becomes way faster to find other people to collaborate with or to find people जिसके साथ आप कोई भी चीज शेयर कर सके, you know, because क्या हो रहा है कि digital nomads के एक I think main issue ये होता है कि ठीक है आप अकेले जाकर के आप हॉस्टल में रह सकते हैं, but it's better if you are sharing a villa along with 4-5 others digital nomads. Yeah. उसके लिए it's better to get in touch with others. Yeah, और also it's like build a like community is around us, like क्योंकि आप same उसी type के इंसान से मिल रहे हो, तो it's like वो आपको भी appreciate करेगा and आपको भी like grow करेगा, या like काफी सारी चीजें supports करते हैं जो like अगर same thinking या फिर same vibes के लोग मिल जाते हैं, so they are helpful for us as well as and absolutely also, trust factor bhi zyada rehta hai and you know ki you are working towards the same goal in life. Yeah, exactly. And also my other question is ki what do you most think like about digital nomad, like us cheez mein like you are traveling different countries and different places, what do you most think jo like sabse achhi lagti ho aapko, क्या ये चीज है जो मुझे डिजिटल नोमैड की सबसे अच्छी लगती है? सो ऐसा है गिरिराज किसी आई ऑलवेज कंपेयर कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे एंड नाउ व्हेन आई एम मोर इन कंट्रोल, है ना। सो हमको लगता है कि मतलब सबसे द बिगेस्ट प्लस इन डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल इज दैट कि द फ्रीडम टू चूज वेयर यू वांट टू बी, whom you want to be with, है ना, because यार मतलब it doesn't make sense कि अगर कोई आपका बॉस वो डिसाइड करता है कि आपको कहाँ पे रहना है और क्या करना है, ठीक है, so exactly. वो I think we are done with. Yeah, the most important thing is freedom. Like digital nomad is equal to freedom lifestyle. Yeah, honestly, yeah. Because everyone now is wanting the freedom. क्योंकि हर इंसान को honestly कहीं ना कहीं like चाहे वो मन मार के करता है but हर इंसान को चाहिए freedom तो like वो चाहे बोल नहीं पाता या फिर वो step उठा नहीं पाता but everyone wants freedom. Just my opinion honestly. क्योंकि yeah I am talking with more and more people and about I talking myself. I honestly I want to freedom. यार ऐसी life हो ना जहाँ मतलब कोई टोके नहीं मतलब कि ठीक है मतलब जो इच्छा है वो कर रहे हैं जैसा like जो मन कर रहा है ना वो कर रहा है. That was the like whole life goal in this sense बोले तो हर इंसान का like yeah बहुत सही कहा आपने. और पहले ऐसा था कि लोग सोचते थे कि अरे ये तो possible ही नहीं है. Yeah, अब ऐसा हो गया कि अरे ये possible है तो क्यों नहीं करें, है ना. Yeah, ये चीज आया है. That's why just like मैंने अभी खुद ने just like बोला ना क्योंकि I like to traveling but मुझे ऐसा लगता था कि वो ही ट्रेवलिंग करते हैं शायद डिफरेंट कंट्रीज में कि यार जिनके पास पैसा खूब होता होगा या दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस या दैट्स काइंड ऑफ थिंग. बट नाउ व्हेन आई स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन आई रियलाइज कि ये चीजें तो इस तरह से चलती हैं यार कि मतलब ऐसे कि कोई बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है दे आर ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेस सम यूट्यूबर्स एंड सम आर लाइक मैनी गाइस कि यार ऐसे ये चीजें चलती हैं एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग. So I think एक चीज since you mentioned it, I'll like to bring it up. Yeah. कि, you know कि yeah, the more we see, it fills us with optimism and enthusiasm. कि जैसे कि आपने travel के बारे में बोला, पहले ऐसा लगता था कि you need to earn a lot, either you need to have businesses or you need to be super rich. पर अभी ऐसा हो रहा है कि we are seeing कि there are travelers who are hitchhiking around the world, है ना. जैसे कि अपने बिहार से ही एक हिच हाइकर है नोमैड शुभम, एंड नोमैड शुभम इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह हिच हाइक करके जा रहा है. सो अगर आप उसको यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो काफी लोग को इंस्पायर करेगा कि कैसे आपके पास आप कहीं से भी आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. Yeah, amazing. And also it's like helpful for everyone क्योंकि जो लोग डॉक्यूमेंटिंग करते हैं तो I like to like genuinely feel होता है भी सबको कि हाँ यार actually these guys are connecting and genuinely that's why like B blogs काफी like अच्छे चल जाते हैं. It's the biggest reason क्योंकि people are relate to more and कि हाँ यार ये मतलब same वही चीज दिखा रहा है जो like otherwise अगर कोई बंदा खड़ा होके बोल रहा है rather than is showing something around us तो लोग बोलते हैं ना यार मेरे जैसी लाइफ है मतलब ये तो मतलब ऐसा ही कर रहा है. समटाइम किसी के लाइक कनेक्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज तो हाँ ये तो वही है जो लाइक मैं चाहता था. एंड देयर अदर वन इज लाइक ठीक है स्टे का हो गया एवरीवन तो हाउ कैन गेट जॉब फॉर रिमोटली जॉब हम लाइक कैसे एक रिमोटली जॉब हम लोगों को करना हो या फिर किसी को रिमोटली जॉब चाहिए तो वो कहाँ से लाइक क्या सोर्स है यहाँ से वो रिमोटली जॉब कर सकता है या फिर कुछ डे बाय डे उसको प्रोजेक्ट मिले या फिर मंथली मिले तो व्हाट्स अकॉर्डिंग टू ये चीज लाइक कहाँ से सर्च करते हैं हाउ कैन डू इट. ओके सो काफी सारे जॉब बोर्ड्स हैं जो कि लिस्ट करते हैं सिर्फ रिमोट जॉब्स जैसे remoteok.io हो गया, वी वर्क रिमोटली हो गया. लिंक्डइन पे जाकर के आप रिमोट का फिल्टर डाल सकते हैं. रिमोट का फिल्टर डालेंगे तो आपको सिर्फ रिमोट जॉब दिखेगा, है ना. सो ये सब जॉब बोर्ड्स पे आप जा करके रिमोट जॉब्स को खोज सकते हैं. अगर आपको ट्विटर पे सर्च करना है तो हैशटैग यूज कीजिए रिमोट जॉब्स, उससे आपको सारे जो भी पोस्ट हो रहे हैं वो मिल जाएगा. इसके अलावा एक दो और रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनकी रिमोट वर्क पॉलिसी क्या है ना. सो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, they have kept their employees remote अभी. So वैसे करके आप बाकी सारे businesses के भी status देख सकते हैं कि remote को लेकर के इनका stand क्या है. Yeah, exactly. And also how can you do on your remotely job? अभी आप कैसे आपकी remotely job करते हो या monthly basis करते हो या फिर like किस type के remotely करते हो and also how to get your job. So, मेरे स्मॉल बिजनेसेस हैं, मेरे काफी पैशन प्रोजेक्ट्स हैं. मेरा एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है स्मॉल वर्ल्ड, जो कि एक एक्सपीरियंशियल स्टे प्लेस है बैंगलोर में. तो फिर या उसके अलावा मेरा एक कंटेंट डिजाइन एजेंसी है इम्प्रेसिव इन्फोग्राफिक्स, जहाँ पे भी मेक इन्फोग्राफिक्स एंड डेटा विजुलाइजेशन फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग. उसके बाद अभी workstays.in इट्स ऑनलाइन कम्युनिटी. Culturalimmersion.co that's again online community for culturally curious people where we travel around the world virtually. So इस तरह के मेरे passion projects and businesses हैं. So I'm also looking for people to collaborate with and people to hire who can help me with these businesses. So you can always, anyone who is interested in any of these ventures, they can always contact me on Instagram. Yeah. And also, I'm honestly curious about recently your like थोड़े दिन पहले आपकी प्रोफाइल मैंने देखी थी. तो you are running some like stories के अंदर या फिर आपने पोस्ट के अंदर एक चीज पोस्ट कर रखी थी 30 days with 30 jobs. What exactly is it? Sure. So see, the idea was to just show to people that there are different ways we can host gigs. You know, small projects and small gigs, and also to encourage people to be a creator. ठीक है, अभी क्या है कि creator economy is booming like anything. Exactly. So जैसे कि there are platforms like Buy Me a Coffee, there are platforms like OnlyFans, काफी सारे ऐसे platforms आ रहे हैं which you can make use to be a creator and monetize being a creator, है ना. फिर Patreon हो गया. So the whole idea was कि 30-day 30 jobs projects का what I do over there is that कि every day I post a new gig, every day I post a new service that I'll be offering to my Instagram community, and you can book me for that service. जैसे एक दिन I was a life coach, one day I was the fitness coach, one day I was doing some Photoshop work, you know. So इससे हुआ क्या कि it was just a fun experiment, and the whole idea was to kind of show to others that there are different ways you can host gigs, and there are platforms which enables you to be a creator. Yeah, that's great. And also sort of I'm just saying like just aap se baat kar raha hu ya fir I feel like you are so passionate about doing things and traveling and freelancing and digital nomad. What's your biggest inspiration behind everything? So you are honestly so passionate about digitalization, remote working, and you are already like जितने भी आपके projects हैं all related to remote work and digital nomad and life, nomad वाली जो life होती है उससे related. So what's your biggest inspiration behind the everything? जो like हर टाइम ऐसा है. या श्योर गिरिराज. तो ऐसा है, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, व्हाट आई हैव फेल्ट इज दैट कि अगर आप एक डिजिटल नोमैड बनते हैं या फिर अगर आप अपना यू नो इस जर्नी को आप स्टार्ट करते हैं वेयर यू आर ऑन योर ओन, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके लाइफ में एक बड़ा सा लाइफ क्वेस्ट हो. यू नो लाइफ क्वेस्ट मींस समथिंग दैट यू want to achieve in your life. It's a very long term goal, है ना. So वो क्या होता है ना, वही आपको it keeps you going because it's a very lonely journey. काफी ups and downs आएंगे, तो एक life quest होना चाहिए. So to answer your question, एक one life quest that kept me going is कि भाई सारा 195 country घूमना है, ठीक है. So it became a life quest, और mostly I see कि that is something that I see myself working towards. ठीक है कि you know मतलब the only way to ensure कि I fulfill my dream of going to all the countries is if I have freedom to travel and if I have जो भी whatever money is required in order to achieve that goal, right? So किसी के लिए कोई भी life quest हो सकता है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है. तो see whatever life quest works for you, but have a life quest. एक ऐसा life quest रखिए जो कि काफी बड़ा सा ड्रीम जो कि आपको ऑलवेज इट कीप्स यू गोइंग. या एग्जैक्टली, लाइक कुछ ना कुछ एक तो होना चाहिए कि जो ऑलवेज लाइक इंस्पायर करे खुद को. एंड आल्सो लाइक माय अदर लाइक क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू बिकॉज़ वी आर लाइक हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, वी आर डूइंग एनीथिंग एल्स. तो अकॉर्डिंग टू यू आपने लाइक क्या आपको अकॉर्डिंग लगता है कि जो आपने मिस्टेक्स की हैं काफी जो डिजिटल नोमैड्स को नहीं करना चाहिए, या वो जॉब से रिलेटेड हो एंड ऑल्सो जो गीक्स हो उनसे रिलेटेड हो या ट्रेवलिंग से रिलेटेड, कि एनीवन लाइक उनको नहीं करना चाहिए दीज मिस्टेक्स आर जो जनरली लोग करते हैं। So, हम तो कहेंगे गिरिराज की यार कि I want people to make mistakes and learn from their mistakes, है ना। और मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा mistakes करेंगे उतना ज्यादा सही है। So, but yeah, to answer your question, I think एक चीज जो कि हम नहीं चाहते हैं लोग करें वो ये है कि they should not give up, है ना। जैसे अभी क्या होता है कि हम काफी लोग को देखे हैं कि वो एक महीना ट्राई करते हैं और एक महीने के बाद या तो बर्नआउट हो जाता है उनको, या फिर उनको लगता है कि अरे यार थोड़ा सा हमको हम वापस घर ही चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दे गिव अप सो इजली। वो नहीं होना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि यार एवरीथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ इज अ मैराथन, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, सो दे शुड नॉट गिव अप, दे शुड बी परसिस्टेंट। और वही मतलब आई ऑल्सो नोटिस कि डिजिटल नोमैड बनने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई यू हैव टू बी ऑन द मूव कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं है। डिजिटल नोमैड्स जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो साल भर हर दिन कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करते रहते हैं। दे आर लाइक दे यूजिंग देयर फ्रीडम टू ट्रैवल, बट एट द सेम टाइम वो काफी जगह अपना एक बेस बना के लॉन्ग टर्म रहते भी हैं, है ना। अगर आप साल में 7 महीना बाली से आप काम कर रहे हैं और कहीं नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आप डिजिटल नोमैड है। यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर फ्रीडम टू बी एट द प्लेस वेयर यू वांट टू, है ना। सो भाई आप खुद को देखिए, आपको क्या आपको सूट करता है और वैसे ही लाइफस्टाइल क्रिएट कीजिए अपने लिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी परसिस्टेंट, डोंट गिव अप, है ना। मतलब ये इट्स अ जर्नी वेयर जस्ट लाइक एनी अदर जर्नी इट विल हैव इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, है ना। इफ यू आर परसिस्टेंट, इफ यू आर कंसिस्टेंट, लेटर ऑन यू विल बी थैंकफुल कि आपने गिव अप नहीं मारा। या एग्जैक्टली। And do you face same problem in your life कि कभी-कभी लगा हो सौरभ को कि यार लाइक ज्यादा हो गया है, फिर ये चीज ऐसे हो रही है जो some like काफी इश्यूज होते हैं ना जो हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है क्या गिव अप कर लेना चाहिए। हाँ, काफी सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर रहता है, फ्रेंड्स की तरफ से प्रेशर रहता है, ठीक है। आप अगर आपका बहुत कंफर्टेबल जॉब है तो वो एक पीयर प्रेशर रहेगा, जैसा कि अगर आप काफी अच्छे इंस्टीट्यूट से या काफी वेल पेइंग जॉब से अगर ये आप शिफ्ट मार रहे हैं तो सारे आपके फ्रेंड, सारी फैमिली, दे विल ऑलवेज क्वेश्चन कि भाई वहां पे तुम कमा रहे थे 10 लाख 20 लाख कमा रहे थे, अभी तुम तुम्हारा कितना इनकम होगा मंथली वो पता ही नहीं है, ऐसा कुछ, है ना। सो इस तरह के सोसाइटल प्रेशर रहते हैं, पीयर प्रेशर रहते हैं, पेरेंटल प्रेशर्स रहते हैं। और मेरे लाइफ में भी ऐसा रहा, मेरे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा रहा कि जब लगा कि शायद हमको फिर से 9 to 5 या फिर एक सिक्योर जॉब जो कहते हैं उसमें जाना चाहिए, तो वो रहता है। या एक्चुअली ये चीज ना कभी कभी होनेस्टली बोलूं तो सोसाइटीज वगैरह या फिर इन लोगों की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि बिकॉज हम कहीं ना कहीं नहीं चाहते वो चीज करना, बट काफी लोग बोलते हैं या फिर चीजों को उसी तरह से लाइक होते देखते हुए लाइक देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग आ जाता है माइंड में। तो भाई इसमें क्या है गिरिराज, इसमें सॉरी टू कट यू यहाँ पे, बट आई नीड टू ब्रिंग दिस अप। इसकी क्या होता है ना कि आपका माइंडसेट जो है ना, इस पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैंग अराउंड कर रहे हैं, किसके साथ आप हैं, है ना। जैसे कि अगर आप डिजिटल नोमैड है पर आप हैंग आउट करते हैं उनके साथ जो कि 9 to 5 जॉब में है, सो आपको डेली ब्रेन वॉश करते रहेंगे, अरे गिरिराज ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो यार, मतलब कि तुमको सिक्योर जॉब लेना चाहिए, तुमको एक घर खरीद लेना चाहिए, तुमको एक गाड़ी खरीद लेना चाहिए, ठीक है, तुमको लोन लेना चाहिए, ठीक है, वो सब वही सिखाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं आप अपने कम्युनिटी के साथ हैंग आउट करें, ताकि मेंटल लेवल पे आप उनके साथ रहें। आपकी माइंडसेट जो है ना मतलब आपके ट्राइब मेंबर के साथ अगर आप रह रहे हैं तो आपकी माइंडसेट इन सिंक रहेगी उनके साथ। तो ये हमेशा होता है कि व्हेन आई एम विथ माय ट्राइब, व्हेन आई एम विथ अदर डिजिटल नोमैड्स, तो फिर कभी ऐसा खुद पे सेल्फ डाउट या क्वेश्चन नहीं आता है। पर व्हेनेवर आई एम हैंगिंग आउट विद 9 to 5ers, तो वो उनका बिकॉज उनका लाइफ अलग है, उनके प्रायोरिटीज अलग हैं, उनके विजन अलग हैं, उनके गोल्स अलग है लाइफ में। या लाइक वो लोग ज्यादातर उसी बेस पे लाइक आपको राय या फिर वो दे सकते हैं, दे थिंक लाइक उनकी लाइफ जैसी चल रही है और जैसा उन्होंने फेस किया है जैसा वो सोचते हैं। कुछ some of them my college friends and my friend, because after the college I joined like digital marketing and digital media, because I'm like very good and like मुझे I don't know like okay, what I do मेरा passion है या नहीं है, but I like one thing यार ये जो काम ऐसा है कि भाई अगर मैं 15 घंटे भी बैठ के कर लेता हूँ तो अगले दिन आई एम नॉट बोर्ड कि यार नहीं मन नहीं हो रहा है, मतलब अगले दिन फिर भी वही काम दोबारा कर सकता हूँ। नाउ आई एम डूइंग फुल टाइम जॉब, बट आफ्टर द फुल टाइम जॉब आई again my open laptop, I will like again come back in my room 9 PM and 9 PM I again open my laptop and I'm again starting work or working, so like रात को 1 बज जाती है 2 बज जाती है, again I sleep, फिर वही सुबह उठ के वही काम। तो like कभी feel नहीं होता यार बोर हो रहा हूँ, just like कि हाँ यार like वो तो कर रहा हूँ जो like interest है। So the one thing I honestly like in my work, and many people are saying यार college placement हुआ उसको तूने leave कर दिया या like web development इन चीजों से, I just like honestly sometime होता है, but I never ever feel because I just one thing in like बार-बार put up in my mind कि I love my work whatever it, ठीक है जो भी शायद उधर college वाला जो रास्ता होता है कि job वगैरह ये चीज choose करना, तो ठीक है उधर मनी अर्न अच्छा कर सकता था, बट नाउ आई एम लाइक नॉट एंजॉय माय लाइफ जो अभी लाइक कर रहा हूँ। ऑनेस्टली कम्युनिटीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन भाई। अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो ऑनेस्टली सौरभ, बिकॉज काफी टाइम से मैं काफी चीजें करने का ट्राई कर रहा था, बट आई एम लुकिंग अराउंड जो जिन लोगों के साथ रह रहा था वो लोगों के साथ लाइक वो बातें थी ना, तो उस वजह से उस चीज को मैं ट्राई आउट ही नहीं कर पाता, उस चीज को मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। जो चीज मैं अभी 5 से 6 महीने में स्टार्ट की है, मैंने लाइक पॉडकास्ट थोड़ा बहुत करना, कंटेंट डालना, वो चीज मैं पिछले 2 से 3 साल से सोच रहा था कि यार ये चीज ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ये लाइक चीज मुझे करना है ये चीज, बट वो होता है आस पास आप इन लोगों के साथ रहते हो तो थोड़ा करते हो, फिर वो लोग इतना स्ट्रांगली नहीं होते और वो लोग इन्फ्लुएंस करते हो और हो जाते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और हो जाते हैं। बट नाउ आई लाइक ऑनेस्टली शिफ्टेड ऑन द लॉकडाउन हुआ तो एवरीवन इज डिस्कनेक्टेड, आई एम अलोन इन जयपुर इन माय फ्लैट, आई एम नॉट गोइंग इन माय होम, देन आई डिसाइड भाई ये टाइम मतलब गोल्डन मिला है तुम्हें कि ना कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है ना किसी के साथ रहते हो, तुम अकेले रहते हो, लाइक अपना फोन उठाओ, सोशल मीडिया का यूटिलाइज करो, लोगों से कनेक्ट करो, वो सेम उसी टाइप के लोग मिले ना, तो दैट्स व्हाई रियलाइज कि हाँ यार करना तो ये था लाइक कि एंजॉय तो इन चीजों में आता है, देन आई स्टार्ट डूइंग। एंड समटाइम बीच में भी ऑनेस्टली लाइक काफी बीच में भी रुक गया था 2 से 3 महीने, बट आई अगेन लाइक उस चीज को मैं रुकना नहीं मानता कभी भी कि ठीक है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी नहीं करते आप रेगुलरली पॉडकास्ट, स्टिल यू आर लाइक loving this stuff and on digitalization and this type of thing, but these kinds of things and honestly yeah, and also like my other question is, have you ever regret on your life कि यार ये चीज मुझे ना मतलब अभी के टाइम कुछ चीजों का regrets हो या फिर कि ये टाइम मुझे पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी या फिर ये चीज मैंने like नहीं की है या फिर ये इस type of ever like किसी भी टाइप का regret in your life? So to be honest, अभी I feel कि the only thing that I'm kind of regretting you can say is कि ये जो Indian digital nomad की community है ये काफी पहले बना लेनी चाहिए थी I feel, because क्या है कि I myself missed community a lot, because मैंने जब शुरू किया उस समय कोई कम्युनिटी था नहीं और आई हैड अ वेरी लोनली जर्नी, मतलब उस समय आई नेवर केयर्ड अबाउट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी और उस समय बहुत कम लोग जानते भी थे, बट आई थिंक इफ वी वुड हैव स्टार्टेड अर्ली तो आज एक बड़ा कम्युनिटी रहता, बट या इट्स नेवर लेट, हम लोग अभी कर रहे हैं। या इज नेवर लेट फॉर डिजिटल नोमैड, बिकॉज़ इंडिया में काफी कम डिजिटल नोमैड मिलते हैं। ऑनेस्टली आई प्लान फॉर लाइक कि मैं अभी नेक्स्ट अपने जितने पॉडकास्ट एपिसोड करूंगा वो सिर्फ डिजिटल नोमैड के साथ ही करूंगा, तो मैं भी काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मुझे लोग काफी कम मिल रहा है। मैं लाइक हर प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहा हूँ, मैं गूगल पे, यूट्यूब पे, लाइक सब जगह लाइक काफी कम होते हैं जो काफी कम लोग डिजिटल नोमैड मतलब मिल रहे हैं। जनरली मिलते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के मिलते हैं, बट मुझे लाइक ट्राई करना है कि इंडियन डिजिटल नोमैड को लाऊं, बिकॉज ऑफ क्योंकि इंडियन डिजिटल नोमैड को लेके आते हैं ना तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। अगर इफ आई लाइक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल नोमैड बाहर बहुत सारे हैं आउट ऑफ इंडिया, बट आउट ऑफ इंडिया अगर एक नॉर्मल बंदा जो पॉडकास्ट देखता है तो दे नॉट रिलेट मच मोर कि ठीक है इंस्पायर तो होगा, बट वो सोचता है यार ठीक है फॉरेन कल्चर है यार उधर तो होता है, तो वो लाइक कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। तो दैट्स व्हाई आई प्लान की आई रिकॉर्ड विद लाइक डिफरेंट डिजिटल नोमैड, सो देयर लाइफ की व्हाट दे डू, हाउ दे लिव योर लाइफ एंड वो लोग कैसे लाइक सब कुछ कर सकते हैं। बेसिक यार वो कर सकते हैं तो यू कैन आल्सो डू इट। अगर आपको लगता है कि आई विल डू इट ऑन डिजिटल नोमैड लाइफ या फिर एनीथिंग लाइक नॉट अबाउट डिजिटल नोमैड, एवरीथिंग जो आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ना काफी लाइक लगता है मुझे कि इंडियन सोसाइटी में काफी लोग होते हैं दे वांट टू लाइक वो बहुत चीजें करना चाहते हैं, बट ऑनेस्टली किसी ना किसी रीजंस की वजह से या फिर वो नहीं कर पाते। एंड तो दैट्स क्योंकि मैंने वो चीजें फील की है ऑनेस्टली। आई जस्ट से कुछ काफी बहुत लाइक कॉलेज में इन द फर्स्ट ईयर से ही मुझे लगता था कि आई एम नॉट फॉर इंजीनियरिंग, कि कहाँ फंस गया मैं इंजीनियरिंग में, बट स्टिल आई कंप्लीट माय इंजीनियरिंग बिकॉज इट्स अ सोसाइटल इशू कि भाई इंजीनियरिंग गए हो तो घर वाले क्या बोलेंगे कि लड़का इंजीनियरिंग करने गया है और छोड़ के आ गया, ये किया। बट अदरवाइज उन चीजों की वजह से वो बोझ लेके करना पड़ा। एंड नाउ आई इवन आई एम ओपनली टू से कि आई एम नॉट अ गुड इन लुकिंग इंजीनियर। तो प्लीज इफ एनीवन आस्क मी इन माय फैमिली कि कौन सा कॉलेज करना चाहिए इंजीनियरिंग का, ये भाई प्लीज डोंट आस्क मी यार, आई एम डूइंग इंजीनियर बिकॉज कि गलती से पहुंच गया उधर, वरना आई एम लाइक नॉट इंटरेस्टेड विद इंजीनियरिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो लेट्स again come in the topic and one of the like other questions is honestly because aapke according like would people do mistake in their life youngest life jo abhi ke time you youngsters hain in the Indian jo like unke liye aapke liye best guidance kya hai, they like wo chahte hain kuch karna but societies ya fir काफी चीजों की वजह से मैं तो अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट सोसाइटी, क्योंकि आपने अगर कोई चीज बोल दिया कि यस कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करना है तो फिर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका, आपको करना है तो करना है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू गाइड तो जो वो बैरियर होता है उसको तोड़ने के लिए। हाँ, see, so I feel the biggest mistake many people make early on in their life is not taking enough risk, not getting out of their comfort zone, you know, and the mistake they make is living a very template lifestyle. जैसा कि अभी आपने बोला कि हर कोई मतलब इंजीनियरिंग करना या फिर मेडिकल करना, it's more of a it's like a way to conform to society, it's a way to conform to जो भी आपके parents हैं या जो भी चलते आ रहा है, you know, but that's not where the value is. I think the most important thing is to be yourself in the world where everyone is trying to make you someone else. The most important thing is to be authentic, right? And उसके लिए जरूरी है आपको कि 20s में और early 20s, those are the time to stumble, those are times to try different things. Follow your passion. Don't be afraid of any failures. You know, failures are always learnings, you know. तो यही है, मतलब I would encourage people to take risk, get out of their comfort zone. And बस I think early 20s में they should not be very sure about कि अरे यार लाइफ में यही करना है, they should not be very sure about anything, you know, because when you get very sure about things then you don't learn, then you have a very closed mindset, you know. It's important to have an open mindset. That's how and that's why I feel कि early on in their life it makes a huge difference when you travel around. Because when you go to different countries now, so that opens up your mind, है ना? जैसे कि if early on, if you travel to different countries, you get to know कि you know how we have very different opinion about other places or countries when we don't actually go there. You know, when we go to a place, we got to know ki we were wrong about that. When we go to a place, we get to know ki people around the world, they're very kind, they're very helpful. Yeah. You know? तो ये बहुत जरूरी है. आई थिंक ये आपके अंदर इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी और इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म भर देता है कि आपको लाइफ लॉन्ग वो दैट विल कीप यू ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट विल कीप यू काइंड. जो कि आई फील कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन आई वुड एनकरेज पीपल टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, स्पेशली अर्ली ऑन इन योर लाइफ. You know, you are making a mistake by not traveling. You are making a mistake by not venturing out. And by travel, I don't mean कि भाई एक passport लो और go to a different country. Travel anywhere you want to. Travel is all about being curious like a small 5-year-old. So आप अगर आप दूसरे state भी travel कर रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, India में ही travel कर रहे हैं, तो please कीजिए. Travel is something that will help you grow up, help you learn a lot. मतलब you know वो जो college या school में learning होती है, उससे ये learning काफी डिफरेंट है और ये लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर तरह की सिचुएशन में कैसे रहना है वो सब सीखेंगे. एंड इफ यू कैन ट्रैवल फ्रूगली इट्स इवन बेटर, है ना, बिकॉज ट्रैवल इज नॉट अबाउट कि भाई पैसे हैं तो हम चीजें कर लेंगे. ट्रैवल इज अबाउट मैनेजिंग थिंग्स. सो अगर आप हिच हाइक कर रहे हैं, काउच सर्फिंग कर रहे हैं, सो दोज आर बेटर वे टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम लाइफ. या लाइक आई एम ऑनेस्टली एग्री लाइक विद यू. एंड I mean, recently I watched an interview of the like क्या नाम है इसलिए उनका जो कालीन भैया, ठीक है, honestly know their character better. And this guy is saying कि हाँ like government को या parents को हर को करना चाहिए एक rule कि जब बच्चा 10th या 12th पास होता है तो उसको कोई भी subject या college में भेजने से पहले आपको उसको like हर पूरे इंडिया में like open छोड़ दो. उसको like सारी जगह घूम के आए वो एक बार, लाइक चाहे गवर्नमेंट करे या फिर पेरेंट्स करें अपनी तरफ से. और बिल्कुल लाइक उन्होंने बोला कि इंडिया इतना महंगा भी नहीं है जितना आप सोचते हो ना कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है. तो उसको पता चलेगा, वो डिफरेंट कंट्री लाइक स्टेट जाएगा इंडिया के अंदर, उसको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि बाहर चल के आ रहा है एग्जैक्टली क्योंकि वो एक छोटे से टाउन से या फिर सिटी से गया और सीधा IIT, MIT या फिर जो बाहर वाली रेस चल रही है उसमें सीधा शामिल हो जाएगा. एक बार 12th वाला बंदा अगर बाहर घूम के आता है, सपोज इंडिया में वो घूम के आता है, तो दे नो कि क्या चल रहा है, लाइक बाहर लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही इज टॉकिंग विद डिफरेंट पीपल कि कोई किस बैकग्राउंड का है, कोई किस बैकग्राउंड का, दे नो कि हाँ यार और भी ऑप्शंस है लाइफ में कि इंजीनियरिंग ही नहीं है, यही नाउडेज I'm thinking कि ठीक है इंजीनियरिंग के ऑप्शंस नहीं है. पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स लाइक जो काफी चीजें लोग कर सकते हैं बिकॉज़ दे आर आई थिंक दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन डूइंग फॉर यार इंजीनियरिंग एंड दिस काइंड्स ऑफ थिंग. अगर आपको उसी टाइम रियलाइज हो जाता है कि यार मुझे ये चीज करना है तो यू विल गो एंड डू इट. लाइक ये होता है ना बहुत सारे कि नहीं होता उस टाइम पता, तो एटलीस्ट वो चीज तो अपने हैंड होता है. इन द कॉलेज लाइफ में भी अपने हैंड पर होता है कि अपन चाहे जितनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव अ फ्रीडम. सही बोला आपने. और इसीलिए आई फील कि गैप ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि आप स्कैंडिनेविया में, जर्मनी में गैप ईयर इज समथिंग व्हिच मोस्ट पीपल डू. गैप ईयर इज कॉमन. क्या होता है कि कॉलेज में ही या फिर कॉलेज से जस्ट पहले बच्चे जो हैं वो 1 साल का गैप ईयर लेते हैं जस्ट ट्रैवल करने के लिए, है ना. तो वो कल्चर इंडिया में भी लाने की जरूरत है. उससे क्या होगा कि बच्चों को पता चलेगा कि वो कौन है और वो क्या चाहते हैं. दैट विल हेल्प देम इन देयर करियर, दैट विल हेल्प देम इन देयर लाइफ. या एग्जैक्टली, बिकॉज उनको वो स्कूल वाली लाइफ होती है ना, सुबह स्कूल जाना आना, वही दोस्त, वही घर वाले, वही रिलेटिव्स, एंड उसके बाद सीधा उनको लाइक एक करियर पाथ में आप डाल रहे हो. कि सपोज हम इफ आई टॉकिंग अबाउट मी की ठीक है जो बंदा गांव में रहा, गांव में पढ़ा, एंड अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक क्या है भाई, वो सीधा बस लोगों ने बोला, लोगों ने कहा तो इंजीनियरिंग में चला गया. दे डोंट नो कि उसमें क्या होने वाला है, वहां जाके लाइक उसका क्या होने वाला है. तो दे आर गोइंग. तो वो चीज लाइक होना चाहिए. आई डोंट कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ डे वन से लाइक 11-12 में पता चल जाए कि हाँ लाइफ में ये करना चाहिए, बट एटलीस्ट ये तो पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, ये पता ना हो इट्स ओके कि मुझे लाइक क्या आगे 10 साल या 15 साल तक लाइफ में क्या करना है, बट एग्जैक्टली टाइम पे तो पता हो कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ या नहीं, फिर या लाइक ऐसे ही सीधा जाके करने लग गया. एंड दैट्स माय अदर क्वेश्चन इज यू आर ट्रेवलिंग डिफरेंट कंट्रीज, तो इनिशियल टाइम में लाइक व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इट कि अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज में एज ए फ्रीलांसर ट्रेवल्स करना हो या फिर एज ए डिजिटल नोमैड ट्रेवल्स करना हो. हाँ, देखिए तो इसमें ऐसा है कि अगर आप इफ यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू ट्रैवल इंटरनेशनली, इट मेक्स विद अ इंडियन पासपोर्ट, then you should have a visa strategy in mind, as in you should know ki which all country visa if you have in your passport, it will help you get visa for other countries, है ना. जैसे अगर आपके पासपोर्ट में यूएस वीजा है या फिर शेंगेन वीजा है, तो फिर बहुत सारे कंट्रीज में आपको वीजा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू हैव वीजा ऑन अराइवल, है ना, वैसा होता है. सो पहले ट्राई कीजिए कि अच्छे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के वीजा आपको मिले. जैसे इंडियन पासपोर्ट के साथ अगर आपको सिंगापुर का भी वीजा मिलता है ना, तो आपको फिलीपींस में वीजा ऑन अराइवल हो जाता है फॉर फ्यू डेज, है ना. और भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है. एक तो पहला वो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री का वीजा पहले अप्लाई करना है ना, ताकि आपको दूसरे कंट्री में जाना आसान हो, पहला. दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पे आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं, मतलब कि आपको इजीली वीजा मिल जाता है, ठीक है. जैसे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में हैं तो विंतियान, लाओस का कैपिटल जो है विंतियान, इज अ गुड प्लेस टू अप्लाई फॉर वीजा फॉर अदर कंट्रीज, है ना, ये होता है. तो एक विकिपीडिया पेज है वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन सिटीजन्स, आई वुड सजेस्ट पीपल टू गो चेक इट आउट. वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी अच्छी पेज है जिसमें सारे कंट्रीज जो वीजा ऑन अराइवल इंडिया को देता है वो सारा लिस्टेड है, और ये भी लिस्टेड है कि किस कंट्री का अगर वीजा आपके पास है तो किस कंट्री का वीजा आपको जरूरत नहीं है, है ना. सो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि किस तरह से ट्रैवल करना है. तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिलेगा नहीं ना यूट्यूब पे ना ब्लॉग पे, बिकॉज काफी सारे इंडियन जो ट्रैवलर हैं वो इस बारे में बात नहीं करते हैं, बट आई थिंक दे शुड, बिकॉज इंडियन पासपोर्ट के साथ यू शुड नो अबाउट द वीजा स्ट्रेटजी, यू शुड नो कि कहाँ पे आपको कौन सा वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वो आई थिंक ये कंटेंट कहीं आपको इजिली मिलता नहीं है. Exactly. तो वही विकिपीडिया पेज विल बी अ गुड प्लेस. विकिपीडिया के बाद अगर किसी को ये जानना है तो दे कैन गेट इन टच विद ट्रैवलर हु हैज बीन देयर. जैसे कि आई हैव ट्रैवल्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, आई हैव ट्रैवल्ड इन सेंट्रल एशिया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस कंट्रीज के बारे में कैसे वीजा अप्लाई करें वो आपको मिलता नहीं है. जैसे तुर्कमेनिस्तान का वीजा, वन ऑफ द टफेस्ट वीजा आई वुड से, यू नो 95% से ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, इंडियन को रिजेक्ट कर देता है वो, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा. तो आपको पता तभी चलेगा जब आप यू गेट इन टच विद समवन हु हैज बीन देयर. या इट्स ऑल अबाउट आई थिंक हेल्पफुल फॉर कम्युनिटी इन द लाइक कि इफ आई कनेक्टेड नाउ विद द कम्युनिटी तो यू गेट लॉट्स ऑफ एंड honestly why एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे गिरिराज यहाँ पे कि इफ समवन हु इज planning to travel around the world with an Indian passport, it's better to start with Southeast Asia, because Southeast Asian countries, most of the countries you get visa on arrival, be it Thailand, be it Cambodia, Laos, Vietnam, Indonesia, so it's now visa not required. And yeah. So इससे क्या होगा ना कि आपको when you are starting your travel और आपके travel के शुरू में ही अगर आपके पास 6-7 country का visa है, even if it's on arrival, so that helps you, you know. Yeah. अगर आप कहीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर दे कंसुलेट दे सी कि भाई आप व्हाट इज योर ट्रैवल हिस्ट्री. या एग्जैक्टली, ठीक है. और अगर आप एक और पॉइंट कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो इंश्योर कि आप अगर आप फ्रीलांसर हैं तो इट मेक सेंस कि आप यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, बिकॉज कुछ कंसलेट्स जो हैं दे आस्क यू कि हे इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस डू यू हैव अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रूव्स दैट यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, राइट. सो बैंक स्टेटमेंट, एक तो बैंक स्टेटमेंट दे चेक ओनली टू गेट द आइडिया ऑफ कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं ट्रैवल करने के लिए, वो तो एक चीज है ही. इंश्योर कि आपके बैंक में हमेशा सफिशिएंट मनी रहे सेविंग अकाउंट में, जिससे कि आपको लगे कि हाँ एक दो महीना तो आप खुद को अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा यू शुड आल्सो हैव डॉक्यूमेंट टू शो कि यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। या एग्जैक्टली, या अदरवाइज आई थिंक दे फेस लाइक काफी कंट्रीज में होता है ये चीज कि बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो दे आर नॉट लाइक रिजेक्टेड फॉर वीजा एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। या एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली। And also, like one of the my last questions, because this conversation is 1 hour around, and one of my last questions is, what's your like best advice for every young guest, every hustler, and everyone is listening in this podcast? So I would say is to just go travel the world is boringly safe, and that is the best thing that you will be doing to yourself. The best investment in yourself is giving yourself freedom to be where you want to be with whom you want to be, right? Or ye it's all in your hand. You don't have to wait for permission from anyone, you know. It's yeah. Always better to ask for forgiveness than to ask for permission, hai na? Yeah, exactly. Yeah, and also it's right time to everyone to like traveling ke liye and doing everything and in your head, because everyone is sometimes like काफी लोगों को नहीं मिलती है opportunity, बस now सबको automatically मिल गई है work from home की, तो they are like worried, वो लोग work from home को they are not utilized कि they are working from home, मतलब कि घर से ही काम करना है, they don't exactly. Take work from home means work from anywhere, work from anywhere, तो not take it कि work from home मतलब घर पे ही रह के पूरा लाइकली काम करना है, honestly तो try to like some, and my experience was honestly working in 2 months in my village work from home, I most probably मैं 10 to 5 days ही होगा जो घर पे बैठा होगा एक रूम में बैठ के, आउट ऑफ अदरवाइज इस टाइम आई गो एवरीवेयर इन माय प्लेस, लाइक कहीं भी गया, खेतों पे चला गया, कहीं भी इधर उधर जो लाइक अच्छा लगता था यार दिस प्लेस आर कूल, या फिर ये कोई पेड़ की छांव काफी कूल लग रही है, गो सिट एंड पानी गए स्टार्ट वर्किंग, एंड honestly it's like प्रोडक्टिविटी भी 10x इंक्रीज कर देती है, rather than आप एक बंद रूम में बैठ के काम कर रहे हो पूरा वर्क फ्रॉम होम समझ के 5 से 6 महीने, तो यू फील टायर्ड, बोरिंग एंड वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लगेगा कि यार वो चीजें फुलफिलमेंट नहीं होती फिर अंदर की। ठीक है, आप चाहे पैशनेट हो काम के लिए बट फिर भी वो नहीं मिलता है, क्योंकि आई थिंक यू आर सेइंग कि एवरीवन वांट्स फ्रीडम, सबको लाइक कहीं ना कहीं इनर चाहिए फ्रीडम। या एग्जैक्टली, या एंड आल्सो वन ऑफ द माय लास्ट क्वेश्चंस अबाउट यू एंड how can people reach with you and directly, and how can connect with your community? I'm also share link in bio, and as well as if you are listen on YouTube, so I will share link on bio of Saurav, all social profile and their community. And so can you tell me about once again about your community and also about you? Sure. Yes, so if anyone wants to get in touch, they can contact me on Instagram. My handle is indiandigitalnomad. Yeah. Also, I run this community called WorkStays. It's a community for Indian digital nomads to live, work, and play together offline as well as online. So you can also find out more about the community at workstays.in, or you can find it on Instagram. The handle is WorkStays. Yeah, it's amazing. And also, first of all, thank you so much, Saurav, for honestly giving your most important time and giving to me, because it's like, honestly, I'm like very like, it's not about when I talking with someone, they are doing enough life. And I'm very curious about when I was so your वीडियो ऑन टेडएक्स, रात को मैं उसको सारा देख के सोया था honestly, because ज्यादा आपके बारे में कहीं इतना मिल नहीं ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आई लुकिंग कि हाँ ये शायद इस पे पूरा लाइक सारा डिस्कस किया आपने कि हाउ टू ट्रेवल इंजीनियरिंग से लेके, तो दिस अमेजिंग थिंग अबाउट यू, यू आर लाइक सो पैशनेट एंड like people are ever ready to connect with everyone. I think there's the amazing thing about you, I feel, and you are honestly awesome human being. About yeah. Once again, thank you Giriraj, और I think बहुत ही मजा आया बात करके, काफी free flow conversation हुआ, काफी दिल खोल के हम लोग दोनों ने बात किया, so काफी अच्छा लगा. I wish you all the best.